voice my opinion. Just may I? You thought afterwards. Let me ask one thing. Because as you have stated that for the past 5 years, Madhu Bhandarkar is raping you for 16 times. Yes, yes, absolutely. At the same time, you put charges on Sohail Khan saying that you have done a DNA test. Do you have a certificate for that? No, I said that you were pregnant at that time. Okay. Thank you very much. So, when you were having affair with Sohail Khan to come into the state of this abortion. See, I was in love with this man. Not disturbed at all. I was in love with this man. I was not, this man is not a rapist, ना मैंने उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाया है. This is entirely a private matter जो मैंने काफी प्रेस में पहले भी बोला है. But what I am again saying is, ना तो मैंने रेप का कोई केस दर्ज किया है. No, you are understanding my point. हाँ, I'm trying to understand. To you here, that यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसमें कहीं पे ये प्रूफ तो नहीं होता है और ये गलत पॉइंट डिफेंस लॉयर ने रेज किया था. 3 साल तक मेरे सुहेल खान के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं थे. ये जो लेटर है ये जुलाई को भेजा गया है, जुलाई का डेट है, 20 जुलाई का है. आप भी मुझे बता सकते हैं कि 1 महीने पहले भी कुछ हो सकता है. यहाँ पे 5 साल का जो रेट है, 5 साल का जो रेप का डेट है, एज आई सेड, अगर मैं लीगल नोटिस दो आदमियों को भेजती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई महान आदमी है. मुझे प्लीज कैन यू सी, आपने खुद ही अंडरलाइन किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. लीगल नोटिस है जो मतलब पुलिस को दर्ज किया गया था, पुलिस को दिखाया गया था एफआईआर दर्ज करने से पहले. यहाँ पे इसमें क्या लैंग्वेज यूज की है, दिस इज द लीगल नोटिस. द इट सेज हियर दैट यू हैव डिसीटफुली एंड विद मैला एंड रिफ्यूज टू कंप्लाई विद योर अनलॉफुल एंड इलीगल डिमांड. और ये मैंने अपॉइंटमेंट खुद मांगी थी बिकॉज आई वॉज वेरी मच सफरिंग. मुझे काफी दुख था कि ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं इनकी वजह से मैं बहुत दुखी थी और मुझे ये लगा कि बिकॉज आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस, आई एम स्टिल फीलिंग हेल्पलेस. तो मुझे ये कहा गया है और वो है भी कि इज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मैन. तो मैं अपना जो दुख की मतलब जो गाथा है या क्लेम है व्हाटएवर, आई वेंट टू मीट हिम रिगार्डिंग दैट कि देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र एंड मुंबई आर इट्स अ वंडरफुल स्टेट एंड अ वंडरफुल सिटी, लेकिन देखिए एक औरत के साथ यहाँ से मारने की धमकी दोबारा दी गई है कि तुम अपील मत करो हाई कोर्ट में. दिस इज विद द पुलिस, यू कैन प्लीज गो एंड चेक विद द वर्सोवा पुलिस स्टेशन. आई लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. On 2500 integers to work up something suitable for me. Good night. Perfect. Absolutely right. Absolutely you are right. You are right. Okay. कि रेप शब्द का इस्तेमाल 23 दिसंबर से एसएमएस में है जो भंडारकर ने खुद ही छापा है. लेट मी बी वेरी क्लियर. इस एसएमएस की लीगल वैलिडिटी इन इटसेल्फ है. अगर एक लड़की आपको एसएमएस भेजा, गुड नाइट का एसएमएस भेजा बिकॉज आई थॉट आई हैड प्रोवोक्ड दिस मैन, व्हाट इफ ही गोस अहेड एंड किल्स मी. आई हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट माय लाइफ. आप इसको पहले पूरा पढ़िए, पुलिस इसको पूरा एक एक शब्द पढ़ती है, उसके बाद मेरा एफआईआर बलात्कार का और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का दर्ज करती है. इज इट योर कंटेंशन दैट मुंबई पुलिस डज नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ जेन्युइन कंप्लेंट एंड अ फॉल्स कंप्लेंट? आई गेट एसएमएस यस्टरडे. इफ आई गेट 20 एसएमएस दैट गोस फ्रॉम 15 जून टिल टुडे दैट एसएमएस इज ऑन दैट कॉल. एब्सोल्युटली माय ऑल माय एसएमएस आई हैव अ लाइफ टाइम. ये जो बीपीएल का मैं अभी डिटेल नहीं जा पाऊंगी बट आप समझ सकते हैं कि हु कैन इट कम फ्रॉम. दीस थ्रेट्स आर स्ट्रेट फ्रॉम भंडारकर सेइंग कि डोंट अपील इन द हाई कोर्ट. उसके कुछ प्रमाण मेरी इच्छा आएगी किसी की ब्लेसिंग लेने की, शायद आपकी ब्लेसिंग लेने की मैं बात करना चाहूं तो यू विल से व्हाई नाउ. मेरी जब ब्लेसिंग क्यों बना रही है आप इसको? हां जी बोलिए. मैटर जस्टिस नहीं मिली है ये तो मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है. आई एम वेरी मच अग्री विद यू ऑन दैट कि आई बिलीव कि मुझे जस्टिस नहीं मिली है. आप खुद ही देख सकते हैं कि जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उसमें न्याय तो मुझे अभी तक नहीं मिला है. और एज आई सेड आई वाज फीलिंग हेल्पलेस. आई रिस्पेक्ट एंड एडमायर माननीय बाल साहब जी. So I'm going to take his blessings. It's as simple as that.
काइंड ऑफ सिंपल टेलिंग अबाउट दैट कि तुम्हारे संग ऐसा हुआ इज अ वेरी मतलब बहुत ही अफसोसजनक की बात है. एक क्लास से मान लीजिए गो फॉर द अपील अगेंस्ट द डॉटर. Now there are two things. As I said, I am in grave danger. My life is again in grave danger. कि अपील मत करो, अपील मत करो, अपील मत करो. Which is why now I have requested the state and the police कि आप अपील कीजिए. This I do not agree with the prejudicial bail order. तो आप अपील कीजिए. Basically, what happens is according to what my legal advisors have told me कि जब police FIR दर्ज करती है, तो it becomes the state and the police case. तो उनका prerogative ज़्यादा बनता है. Even though I am an unsatisfied complainant, even then my call then becomes second. I have met Mrs. Meera Borbonkar, और उनको मैंने जो चीजें आपके सामने रखी हैं, वो उनको भी बताया है कि this is what is happening with me. Now what action they will take is entirely dependent upon them. I cannot comment on that. So your immediate demand right now is for this appeal. मेरी जान को धमकी और खतरा भी है कि आप मतलब भदारका की तरफ से कि आप अभी मत कीजिए. So I am in two minds. What exactly is the right thing to be done? हाँ, मैंने स्टेट और पुलिस को जरूर रिक्वेस्ट की है कि वो अपील कर. दीदी इस वक्त दिल्ली से नहीं है. मैं एक बड़ा प्राइमरी क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ. हाँ जी पूछिए. आपके जो इसमें बेल जो लीगल नोटिस आपने दिया था उसमें हाँ जी एक है and took advantage of her ambition to be superstar. Absolutely right. मतलब उस समय आपके ये ambition नहीं था कि शादी कर ली जाए. नहीं, the whole FIR जो FIR आपको मैंने दिया भी है उसमें और मैंने हमेशा यही कहा है. ambition to be a film star. Absolutely, absolutely. उस समय आपका ऐसा कोई ambition नहीं था कि मधुर भंडारकर से शादी की जाए. नहीं, इसमें लिखा है he suggested that he would marry me. तब उस समय आपका ambition नहीं था. नहीं, because definitely my ambition. नहीं नहीं, one second. I would like to make it very clear, which I have said to the police and the FIR, in the FIR also, कि when in June 1999 मधुर भंडारकर being the kind of man he is, he made an indecent proposal to me after having known me for around 2 months कि देखिए अगर आपको मैं लीड रोल दूंगा तो मैं तभी दूंगा जब आप मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे. यानी कि indecent proposal. I said see I come from the kind of family and background जहां हम लेन देन में विश्वास नहीं रखते हैं. I cannot do that. But he was making this indecent proposal thinking कि yes she is ambitious to become a film star और ये मान जाएगी. मैंने ये कहा कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हैं, आप मेरे पति नहीं हैं, जो मैं ये लेन देन का जो आप बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकती हूँ. Then 3 days later he again calls me thinking that maybe that bait is a better bait. जो शादी का जो प्रस्ताव है शायद उससे जल्दी फंस जाएगी लड़की. He calls me and puts a marriage proposal in front of me and my parents कि मैं आपसे शादी करूंगा. आपने गलत समझा है मुझको, मैं इंडिसेंट आदमी नहीं हूं. आप शादी करना चाहती हैं, मैं डेफिनेटली करूंगा, बट नॉट इमीडिएटली क्योंकि दैट टाइम इन 1999 ही वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग. कुछ कमा नहीं रहा था. एटलीस्ट एक जगह पे वो सत्य भी बोल रहा था. तो ही सेड इन दैट एट दैट टाइम त्रि शक्ति वाज नॉट रिलीजिंग. फिल्म रिलीज होके भी फ्लॉप हो गई थी. ही वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग. इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स एंड मी ही सेड टू मी एंड दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट टू मी आई विल मैरी यू. Don't worry about it. Along with the marriage, in front of my parents, he also said, "Don't you think you're misguiding?" I hope so. I really hope so. You are right. I want that with the media support, if this can happen, so much the better. Why not? I definitely, as I said, I have already made a request to the state and the police. That you appeal. Please. If your support is actually possible, then I am very grateful and thankful to all of you. That you are coming here today. Who has proved? कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है 22 जुलाई के बाद. ना तो भंडारकर ने मुझे कॉल किया है और ना मुझे कोई कॉल करने की इच्छा मतलब मेरे अंदर जागृत है. वन मोमेंट. आई हैव डन कॉर्पोरेट फिल्म्स फॉर स्ट्रेचलिन फेविकॉल. आई हैव डन प्रेस एड्स ऑफ आईसीआईसीआई सिटी बैंक. आई डू मॉडलिंग फॉर ऑल द टॉप ब्रांड्स. आई डू कॉम्पेयरिंग फॉर ऑल द टॉप कंपनीज लाइक रिलायंस लूपिन डॉक्टर रेड्डीज कंट्री क्लब हैदराबाद द रॉयल मेरिडियन. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू वर यू इनवाइटेड हियर. या आई एम इनवाइटिंग यू. आई रिसीव्ड अ I am sorry. I must say here, you have come at the behest of Bhandarkar. I am not inviting you. I'm sorry. You have come at the behest of Bhandarkar. He is all the time manipulating. I object this. Huh.
26 अगस्त को माननीय का दावा किया है कि आप एंटीसिपेटरी बेल जब हमें चल रही है तो भंडारकर के कहने पे एक बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं कॉर्प पर कि उसने ब्लैकमेल किया है, जब आपके पास सबूत नहीं है आप कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कोई भी आरोप सुरक्षित है, कोई भी आदमी खड़े होकर आज आपको बोलेगा ये तो ब्लैकमेलर है और ये छप जाएगा हर न्यूज पेपर में, हर चैनल पे आ जाएगा कि आप ब्लैकमेलर है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, इज्जत की धजी नहीं हो जाएगी फिजूल में? क्योंकि एक आदमी ने एक दिन ये सोचा कि क्यों नहीं मैं थोड़ी चीप पब्लिसिटी भी ले लूं और भंडारकर की सहायता भी कर लूं। मुझे नहीं पता भंडारकर के कहने पे ही ये आदमी कह सकता है, वरना एक आदमी बेबुनियाद आरोप एंटीसिपेटरी बेल लेने के समय ही क्यों लगाता है? लेकिन आप डोंट शो आई डोंट आई डोंट पब्लिक somebody doesn't show then you cannot blame that it was not shown. Now it is for No. The idea is not only to create an awareness in the public and society about what actually happens behind the scenes, but also to what is reported is very very powerful in creating an awareness in public कि ऐसा हो रहा है. Because of what you will write to me, because of what you will show to me, I hope that maybe it will be under threat. So whatever the rape, it's not a relationship. It's a sexual relationship. It's a rape. It's a rape, and even the one previous to that was falsely obtained consent. Let us be very clear. Now, I met Mr. Swetnam 3 years back, which is there in all my letters. I have them with me. He is also admitting we are friends for 3 years. I can show it to you. Now, being friends with a man for 3 years just means I like him or he likes me. It does not in any way imply, and you can read all my letters, it does not in any way imply that in the same period I was dating 2 men. That is what the defense lawyer incorrectly argued in the court. I was not at any point seeing 2 men simultaneously. Not at all. I can give you my legal notice, my letter, everything, and if you can prove to me that I was dating 2 men simultaneously, I will give you anything. Because it's impossible. I was not dating 2 men. I was being raped by one. I later met Mrs. Wilkham, liked him, fell in love with him, only to realize much later that maybe I was again wrong in my judgment. But that's close.